दसवां अध्याय शांतनु का चरित्र। भरद्वाज जी ने पूछा, शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी और फिर उनमें वह शक्ति कैसे आ गई, इसे आप हमें बतलाएं। सुज्जी बोले, भरद्वाज जी यह पुराना इतिहास है, इसे मैं कहता हूँ, सुनिए। शांतनु का चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे। विप्रवर एक बार राजा शांतनु भूल से श्री नृसिंह देव के निर्माल्य को लांग गए, अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए। तब वे सोचने लगे, ये क्या बात है, इस रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो गई। कहते हैं इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, राजन तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। राजा ने कहा, नारद जी मेरी गति कुंठित कैसे हुई, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, इसी से मैं चिंतित हूँ। उनके यूं कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनु से, जो विनीत भाव से वहां खड़े थे, कहा, राजन अवश्य ही तुमने कहीं न कहीं भगवान नृसिंह के निर्माल्य का लंघन किया है, इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। महाराज इसका कारण सुनो। राजन पूर्व काल की बात है, अंतरवेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था, उसका नाम था रवि। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया था। उसमें फूलों के लिए सब और मल्लिका, मालती, जाती तथा बकुल, मौलसी आदि नाना प्रकार के वृक्षों के बाग सुंदर ढंग से लगाए थे। उस वन की चार दीवारी बहुत ऊंची और चौड़ी बनवाकर उसे अलग्निय और दुर्गम करके भीतर की भूमि पर उसने अपने रहने के लिए घर बनाया था। साधु शिरोमणि ने उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था। ऐसी व्यवस्था करके उस माली का महावृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती रहती थीं। वहां प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके यथोचित मालाएं तैयार करता था। उनमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान नृसिंह को अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ को बेचकर उससे अपना तथा पत्नी आदि का पालन पोषण करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। कुछ काल के बाद वह इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आने और फूलों की चोरी करने लगा। उस वन के पुष्पों की सुगंध के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चल देता था। जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी तब माली को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा, इस वन का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं, चार दीवारी भी इतनी ऊंची है कि वह लांग ही नहीं जा सकती। मनुष्यों की ऐसी शक्ति मैं नहीं देखता कि इसे लांग कर वे सारे फूल चुरा ले जाने में समर्थ हों। फिर इन फूलों के लुप्त तो होने का क्या कारण है, आज अवश्य ही इसका पता लगाऊंगा। यह सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। तदनंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान नृसिंह को देखा तथा उन नृसिंह देव का यह वचन भी सुना, पुत्र तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छींट दो, उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान भगवान नृसिंह का यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्माल्य लाकर उनके कथनानुसार वहां छींट दिया। जयंत भी पहले के ही समान अलक्षित रथ से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहां भूमि पर पड़े हुए निर्माल्यों को लांग गया, इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रह गई। तब सारथी ने उससे कहा, नृसिंह का निर्माल्य लांग जाने के कारण अब तुम्हें इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है, मैं तो स्वर्ग लोक को लौटता हूँ, किंतु तुम
यहाँ भूतल पर ही रहो, रथ पर न चढ़ो। सारथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्रकुमार ने उससे कहा, सारथे, जिस कर्म से यहाँ मेरे पाप का निवारण हो उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्ग लोक को जाओ। सारथी बोला, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्ष में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का झूठा साफ करो, उससे तुम्हारी शुद्धि होगी। यों कहकर सारथी देवसेवी स्वर्ग लोक को चला गया। इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर आया और परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की झूठन साफ करने लगा। जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ तब ब्राह्मणों ने शंकित होकर उससे पूछा, महाभाव, तुम कौन हो जो नित्य झूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते? इससे हमारे मन में महान संदेह हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र कुमार क्रमशः अपना सारा वृतांत ठीक ठीक बताकर तुरंत रथ से स्वर्गलोक को चला गया। इसलिए हे भूपाल, तुम भी परशुराम जी के द्वादश वार्षिक यज्ञ में आदर पूर्वक ब्राह्मणों की झूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पापों का अपहरण कर सके। महीपाल, इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। महामते, आज से तुम भी श्री नृसिंहा देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्माल्य का उल्लंघन न करना। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की झूठन साफ की। इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए। विप्रवर, इस प्रकार पूर्व काल में राजा की उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती रही और फिर उक्त उपाय करने से उनमें पुनः वह शक्ति आ गई। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने निर्माल्य लांग में जो दोष है वह बताया तथा ब्राह्मणों का झूठा साफ करने में जो पुण्य है उसका भी वर्णन किया। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का झूठा साफ करता है वह पाप बंध से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता और गौओं के दान का फल भोगता है।